क्या बात है। जीशान इलेक्ट्रिकल्स, अस्तान गली भरत रोड, डोडा सिटी। आइए, यहाँ पे दस्तियाब है इलेक्ट्रिकल्स का हर सामान और आपको यहाँ पे मुनासिब दामों में मिलेगा बिजली का हर सामान। आइए विजिट करिए अस्तान गली डोडा सिटी। क्या बात है, हम इस शहर में आए हैं और इन तमाम छोटे छोटे बच्चों को अपने इस जाल में फंसाने के लिए, नशे की जाल में। तो हमने मसल एक आदमी से शुरुआत की है, वो भी अभी मेरे पास नहीं आया है। अंकल, अंकल मुझे और दे दो, जो कल आपने दवाई दी थी मुझे और दे दो, जल्दी करो वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ दवाई दूंगा मैं, वैसे कल तो आपने ऐसे दी थी मुझे। वो तो आपको फंसाने के लिए दी थी। अंकल प्लीज दे दो मुझे वरना सच में मैं मर जाऊंगा। नहीं अगर पैसे नहीं है आपके पास, दूसरे लड़के को ला सकते हो। फिर दोगे मुझे? क्यों नहीं, ठीक है दूसरे लड़का ले आओ। भैया आप क्या कर रहे हो? मेरा पेपर है आज यार, बहुत पढ़ना है, स्कूल जा रहा हूँ, पेपर है आज मेरा। पेपर है? हाँ बहुत टेंशन है यार। एक दवा दे दूँ आपको मैं जिससे आपका दिमाग बिल्कुल तेज हो जाएगा? ऐसी भी कोई दवा होती है जिससे याद होगा? उससे आपका पेपर यूँ हो जाएगा तैयार। अच्छा चलो मुझे दे दो यार। हाँ चलो आ जाओ मेरे साथ। हाँ वो लड़का आ ही रहा होगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अंकल अंकल मैं उस लड़के को लेके आया हूँ, दूसरा एक। ये दूसरा लाया? हाँ हाँ आपके पास याद होने वाली कोई दवाई है? हाँ हाँ है ना, ये बता रहा था। चलो साइड में, सर सर सब तो बता रहे हैं।
मुझे भी लगा दो ना। बोलो ट्रेन जो हो। ये लीजिए भाई। ये क्या हाल बनाई है? ये आंखें क्यों रेड है तुम्हारी? क्या हो गया? मेरा पेपर था ना आज, तो रात भर पढ़ रहा था, उससे आंखें लाल हो गई। सेहत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। खाना रूम में भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब तो मुझे उसको कॉल करनी होगी और पैसे के लिए भी बोलना पड़ेगा। सर बहुत चकरा रहे हो। हेलो भैया। हाँ भाई। कल पैसे भी लेके आ जाना। कल फ्री में दवाई नहीं मिलेगी, कल पैसे देने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं भैया, कल पैसे लेके आ जाना, फिर आपको और दवाई मिल जाएगी। कोई मसला नहीं है, मैं पैसे का जुगाड़ कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे फीस चाहिए आज, मुझे पैसे देने हैं। लेकिन फीस तो मैंने तुम्हें कल ही दी थी। हाँ कैसे दे दी थी? मैंने फीस देनी है स्कूल में। कल दी थी हमने तुम्हें, रोज रोज। अरे दे दीजिए, मैंने फीस देनी है, बहुत जरूरी है। दीजिए आइना। भैया अरे हाँ, मुझे यार वो दवाई दिला दे गई, मैंने पैसे भी लाए। पैसे? हाँ आज पैसे भी लेके आए हो। हाँ पैसे। चलो फिर। हाँ आ गए आप। अंकल अंकल। हाँ हाँ। अपने पैसे के लिए बोला था, हम पैसे लेके आए हैं, ये लो। हाँ पैसा ही पैसा होना चाहिए, फिर जाके काम बनता है। हाँ आप दे दो। हाँ आपको दे देंगे। फिलहाल इंजेक्शन से फिर बाद में आपको टेबलेट मिलेगी। हरीश क्या हुआ चलो खड़े हो जाओ चलो घर पहुंच जाते चलो। मैडम जी। सर क्या बात है? वही आपका लड़का रास्ते में बेहोश पड़ा था। सर इसको क्या हो गया? हाँ तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम्हें क्या हो गया? सर क्या हो गया इसे, आप बताइए। कोई पता नहीं है सर। लाओ लाओ अंदर लाओ। हर्ष हर्ष क्या हो गया? ये डॉक्टर का नंबर भी अभी मुझे नहीं मिल रहा। हेलो हेलो डॉक्टर साहब जी। हाँ बोलिए। सर मैं तो आपके घर में काम करने आती हूँ ना। हाँ 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 बोलो बोलो क्या हो गया? सर मेरे बेटे को कुछ हो गया है सर, आप जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? लग गई क्या कहीं? लग गई? नहीं सर वो बेहोश है, आप आइए देखिए क्या हो गया। बेहोश है? हाँ जी सर। सर ये पास में, मैं आपके घर में काम करने आती हूँ ना। अच्छा 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 तुम बर्तन वाली बोल रही? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। आप आ जाइए जल्दी। मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। ओके ओके। बेटा हर्ष, हर्ष सुनो तुम्हें क्या हो गया? अभी डॉक्टर आ रहा है। कब से बेहोश है बेटा? सर अभी इन्होंने उठा के लाया बाहर से, पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा ये थोड़ा पकड़ ना। अच्छा
स्मेल भी तो नहीं आ रही है, स्मेल भी तो नहीं आ रही है। मुझे लगता है शायद इसने नशा कर लिया है। नशा? हाँ। इसने मुझसे वो जो फीस के लिए पैसे लिए थे, नशे के लिए तो नहीं लिए? पैसे लिए थे बिल्कुल, तो इसने नशा कर लिया है। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है सर, देखो कैसे नशा करके बैठा है। इसके कपड़े उतारो जल्दी, चलो चलो चलो, बैग निकालो, बैग निकालो, इसका स्कूल बैग निकालो। अगलो ये जैकेट निकालो, नहीं नहीं ये खोलो, ये खोलो, ये कपड़े उतारो बच्चे, कपड़े जल्दी उतारो। इसको होश ही नहीं है तो ये कहाँ कपड़े उतारेगा? बस एड़ी है लगने वालों। ओह माय गॉड, इंजेक्शन लेता एड़ी, बस यार दिमाग ही आप, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, आप इसको हॉस्पिटल में लेके आइए। हमारा जो मेन मकसद यहाँ आने का है वो ये है कि जो लोग नशे के सदमे आ चुके हैं और जो कारोबार नशे का चल रहा है कहीं गांव में, कहीं शहरों में, कहीं कस्बों में, नशे का कारोबार हमारे कई भाइयों के परिवार जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, नशे में लोग आ जाते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में हमें बताना, इसके लिए एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डोडा में एक अलग से वीक खोली गई है, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। और ये हमारा काम नहीं है, वो उनको पकड़ना जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, ये आपका भी ये इंसानी जिम्मेवारी कि जहाँ ये कारोबार चल रहा है, नशे का कारोबार, जहाँ ड्रग्स चल रहा है, कोई चरस का चल रहा है, कोई कैप्सूल इंजेक्शन जो भी, तो इससे आपको अपने पड़ोसी को भी बचाना, अपने आप को भी बचाना, अपने परिवार को भी बचाना। तो इसके लिए डोडा से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कल्चरल आर्ट एंड लैंग्वेजेस की जानिब से आपके बीच में हम आए हुए हैं, तो हमने एक गाने के जरिए भी आपको ये बताने की कोशिश की। अब हम आपको एक नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बताएंगे कि नशे में जो परिवार आ जाता, जो फैमिली नशे में आ जाती, नशे की चपेट में आ जाती है, उसका क्या हालत होती है, उसका क्या उसका आगे परिणाम। तो मेहरबानी, आपके बीच में हम आए हैं, आप 5 मिनट का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मेहरबानी, शुक्रिया।